salió fue yo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I am back on track trying to be super active on every platform and abhi just hum log shopping karke aaye hain and isliye abhi tak makeup maine utara nahi hai and I am watching K-drama. Guess what? I am obsessed with K-drama now and ye mera shayad second drama hoga. Isse pehle maine business proposal देखा था एंड मुझे एकदम ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया एंड देन उसके बाद आई एम वॉचिंग नाउ किंग द लैंड एंड मुझे ये भी ज़्यादा पसंद आया एंड गेस व्हाट हमारे साथ साथ इवन माय मॉम इज ऑब्सेस्ड विथ के ड्रामाज एंड मेरी मम्मी भी अभी बहुत बड़ी फैन है के ड्रामा की हमेशा खाना बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा आगे देखती थी एंड नाउ शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू वॉच दिस इट्स समथिंग क्यूट मतलब मेरी मम्मी खुद ऐसे बोल रही है इतना ज़्यादा क्यूट है तो अभी पूरा घर के ड्रामा फैन बन चुका है एंड आई एम वॉचिंग इट विथ ये क्या बोलते हैं इसे पैटिस विच वी गॉट फॉर यू सिंस हाफ एन आवर ओके हाँ एंड दे वर वेटिंग फॉर मी लेकिन मेरा वेट करते करते अभी वो लोग खाना स्टार्ट किए तो इसकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए हम इसे लेके नहीं जाएंगे नीचे बट इसे पता है दैट आई एम गोइंग डाउन एंड ये मेरे पीछे पीछे आएगा सो सौम्या वॉज बिजी एडिटिंग हर व्लॉग तो मैंने सिर्फ इतना ही लगाया है एंड पहले हम जेरी को घुमाने लेके जाएंगे एंड देन आने के बाद हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे पूरे भाग के जा रहे हैं अभी ये पॉटी कर ली सो गाइस मी एंड सौम्या आर क्रेविंग फॉर आलू ओलियो पास्ता एंड व्हेनेवर हम बनाते हैं तो माई मॉम and I am going there in the kitchen and मैं ये कैमरा ऑन रखूँगी एंड I'll pretend कि मैं शूट के लिए आई एम मेकिंग आलू ओलियो पास्ता कुछ तो गड़बड़ कर रही है अच्छा मैं फोटो निकाल रही थी एस्थेटिक हाँ तो I'll go in the kitchen I'll on the camera and शायद कैमरा देख के मेरी मम्मी हाँ बोली सौम्या को एक्सपोज करती हूँ सौम्या एंड नॉट ओनली सौम्या बट सौम्या एंड मैं हमेशा ऐसे मिसमैच क्लोथ्स पहनते घर पे जब हम होते हैं सौम्या इज गोइंग टू मेक आलू ओलियो लेट्स सी ये कैसे बनाती है कब बना रही हूँ अभी एंड ऑल्सो मेरी मम्मी आज मेरा फेवरेट डिश बना रही है दैट इज दाल ढोकली सो मिक्स करके खाएंगे हाँ मिक्स करके खाएंगे ठीक है चलेगा चलो बताओ चलो आलू आलू बनवाना दिला शांति है असली फटका मारे आलू और फलियों अरे मम्मी ऑफिशियली आलियो अब मैं ही बोलने वाली हूँ आलियो ओलियो का नया नाम हो चुका है आलियो पोलियो यार जस्ट बिकॉज तो हमारा जब ब्लॉग चालू था तब हमारी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला शी वॉज लाइक ओके बेटा जो करना है करो लेकिन जैसे कैमरा बंद हो गया शी स्कोल्डेड अस एंड किचन से हमें भगा दिया जब हम मतलब हम लोग आलू ओलियो बनाने गए ही थे एंड हमारी मम्मी ने हमें किचन से भगा दिया एंड माई मॉम इज़ नॉट एक्चुअली स्ट्रिक्ट शी इज़ सो फ्रेंडली बट खाने के मामले में शी इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिकॉज शी वॉन्ट अस टू ईट ओनली एंड ओनली हेल्दी एंड मेरी मम्मी पास्ता से अभी तंग आ चुकी है बिकॉज मैं हर वीक में एक दिन तो होता ही है दैट आई वॉन्ट टू ईट पास्ता बट अनफॉर्चुनेटली आई कॉन्ट मेक इट टूडे इंस्टेड ऑफ पास्ता मेरी मम्मी ने अभी मुझे काम दिया है फ्रूट्स कट करने का बिकॉज शी वॉन्ट्स अस टू ईट ओनली एंड ओनली हेल्दी माई दाल ढोकली इज हियर एंड आपने भी अगर ये डिश ट्राई की है तो मुझे कमेंट्स में बता देना
और मैं कमेंट्स चेक कर रही हूँ, तो मुझे पता देना कि आपको भी ये डिश कैसे लगती है. दिस इज आई गेस दिस इज गुजराती डिश आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हे गाइस, सो इट्स अनदर डे एंड एज आई सेड दैट आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. इट्स 8:30 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम ऑलरेडी डन विथ माई मेकअप. एंड आज हम जा रहे हैं आउटडोर शूट के लिए, बट आज एक बहुत बड़ा गूफ अप हुआ है. सो द स्टूडियो इज नॉट अवेलेबल जहाँ पे हमें शूट करना था. सो वी डिसाइडेड कि कोई नहीं, आउटडोर कुछ तो लोकेशन करेंगे, तो इसलिए मुझे आज कुछ भी करके शूट कंप्लीट करने हैं. फॉर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग पोहा. ये भी मेरा फेवरेट. अरे गिर गया. और अभी हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, सौम्य और मैं झगड़ रहे थे अभी 2 मिनट पहले कि वीडियो अपलोड कौन करेगा. आज कुछ ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है, हमेशा यही से जाता है प्लेन, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आवाज आ रहा है. डैडी भी उठ गया डर के. तो ये ड्रेस मुझे थोड़ी के ड्रामा वाली वाइब दे रही है, थोड़ी सी यहाँ से लूज है बट एकदम के ड्रामा वाइब आ गई. हाय गाइस, सो वी आर ऑल सेट टू गो. आज तुम तुम्हारे डॉगी को नहीं लाए? नहीं, आज उसको हम घर पे छोड़ के आए हैं. बड़ी इसे सब मिलने के लिए तरसते है, लेकिन इसे नहीं पता इसके कुत्ते के मिलने के लिए सब तरस. क्या ये सच है? ये सच है, ये बराबर सच है. इतना भी सच नहीं बोलना क्योंकि जो जो बहुत क्यूट है यार. अभी ये दोनों घूमर घूमर करने वाले है. पक्का गाना लगाना है इसको. इसके आज नेक ने बाय बाय बोल दिया है, दिख ही नहीं रहा है. सो वी आर डन विद द शूट. फर्स्ट वीडियो हमें जो बनाना था वो हम हमारे बिल्डिंग में ही बना सकते थे. ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया. अरे यार क्या दिखा, सब रेडीमेड डेकोरेशंस. तो अभी टेडी जा रहा है विश्वास के घर पे वेकेशन के लिए. ठीक है, आप हमारा पेट लेके जाओ. मैं टेडी को ड्रॉप करने नीचे गई ही थी तो यहाँ पे आ गई है काजल पागल, इतना बड़ा सामान लेके जिसमें कुछ नहीं है. तो तू क्यों आई ऐसे? तेरे घर से अभी लेकर जाऊंगे, खाएंगे. ओ चॉकलेट मोदक, नॉर्मल केसर वाला मोदक, सब खाएंगे. मैंने काजल के लिए ये मैक्रॉन्स मंगाए हैं एंड इसकी मेहमान नवाजी कैसे जेरी यार. अरे घर में कोई तो आया है. जेरी भी लाइक मैं तो परेशान करूंगा. तो काजल को घर आके ऑलमोस्ट टू आवर्स हो चुका है. ठीक है, वन आवर कम्प्लीट हो गया. लेकिन काजल की बैग कहाँ है पूछो जरा. एक सेकंड मैं बताती हूँ. मेरा बैग हैंडल करने का जिम्मा डॉल ने लिया. नहीं, ब्लॉग में भी है आगे काजल ने पकड़ा था. और काजल का बैग अभी तक बाहर है. क्या इधर ही रखा है? बोल भी नहीं, इतना बड़ा बैग लेकर आई ले. सौम्या का यहाँ पे कर्टन्स लगाने का काम चालू है जो हमने निकाला था और वॉश करने भेजा था. तो हमारे पास इतने सारे दिन थे डेकोरेशन करने के लिए, लेकिन हमने उस टाइम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया एंड और मेरा वेट किया. एंड कल मतलब अभी रात के 11 बज चुके हैं एंड अभी हम सीरियसली काम पे लग गए हैं फॉर द डेकोरेशन. एंड हमेशा ऐसे ही होता है, कितना भी तुम ट्राई कर लो गणपति का डेकोरेशन ना 3 या फिर 2 दिन से पहले कभी कंप्लीट नहीं होता. जब अगले दिन फेस्टिवल होता है तभी हमें याद आ जाता है कि अरे बाप रे डेकोरेशन करना है. तो अभी सीरियसली लग चुके हैं हम लोग काम पे एंड यहाँ पे सौम्या कर्टन्स का काम कर रही है. और वो घर पे एक छोटा बच्चा नहीं होता है उसको ऐसे छोटे बच्चे वाले काम देते हैं साइड, मतलब लिंबू टिंबू वाले काम देते हैं. ये जेरी और ये अपना काम कर रहा है खेलने का. हाँ
वाह बेटा। अरे हाँ तो मैं बोल रही थी सौम्या को ऐसे लिंबू टिंबू वाले काम दिए हैं कर्टन्स लगाने के। करना ये लिंबू टिंबू वाला काम नहीं है ये, एक्चुअली लिंबू टिंबू वाला काम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऐसे कर्टन लगाते लगाते हाथ काफी दुख जाते, कुछ तो मेरी मम्मी ने गिरा दिया अंदर। जेरी यार इसे रिबिन नहीं मिल रही थी, कुछ तो चाहिए था कर्टन टाई करने के लिए, एंड अभी जैसे इसको रिबिन मिली है इसका रिएक्शन देखो क्या रही थी वैसे आज। जेरी को पसंद नहीं आया, मिल गया रे। अब अगर हमें ये अगर इसकी जरूरत पड़ती तो हम बाहर जाके खरीद भी नहीं पाते बिकॉज अभी दुकान तो बंद हो गए होंगे, है ना जेरी। हम दोनों रंगोली बना रहे हैं। तो अब हमारी रंगोली हो चुकी है कंप्लीट, कल का पूरा काम खत्म हो गया है, हमारा डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा बाकी तो हम लोग कल वो सुबह कर देंगे, एंड आई एम टू मच स्लीपी अभी। ओ माय गॉड 2 बजने आए, मुझे लगा 1 बजने आए हैं। सो आई एंड माय व्लॉग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लव माय वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।